दोस्तों, अगर आपके फोन की बैटरी लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती है, फोन की बैटरी ड्रेन होती है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो, बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने कॉमेंट भी किया था, बोला भी था कि हमारे फोन की जो बैटरी है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती है, हम अपने फोन को बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे फोन का जो बैटरी है वो ड्रेन हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है। आप अपने फोन के बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, बैटरी बैकअप को आप बढ़ा सकते हो, आप अपने फोन के बैटरी बैकअप को 30-40% तक बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हो। तो इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने फोन में काफी सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से हमारे फोन की बैटरी ऑटोमेटिक ड्रेन हो जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है। देखो, काफी सारे लोग अपने फोन में GPS को हमेशा ऑन करके रखते हैं, लोकेशन को हमेशा ऑन करके रखते हैं, जिस वजह से फ़ोन की बैटरी काफ़ी तेज़ी से ड्रेन होती है। दोस्तों, जब भी हम कोई भी नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो वो लोकेशन GPS का एक्सेस मांगता है, और हम लोकेशन को ऑन कर देते हैं, उसको बाद में ऑफ नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारे फ़ोन की बैटरी ऑटोमेटिक ड्रेन हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमेशा लोकेशन को ऑफ करके रखना है, हमेशा आप फोन के लोकेशन को बंद करके रखना है, नहीं तो आपके फोन की बैटरी काफी तेजी से ड्रेन होगी, काफी तेजी से खत्म होगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल पर टैप करना है, ठीक है। इसके बाद आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको नेटवर्क प्रेफरेंस पर टैप कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट एप्स, आपको इस पर टैप कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपको यहां पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। आपको हमेशा थर्ड वाले ऑप्शन पर टिक करके रखना है, क्योंकि दोस्तों हमारे फोन में काफी सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनके डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आते हैं, ठीक है। अगर आप ओवर एनी नेटवर्क पर टिक करके रखोगे, आपके फ़ोन की जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक अपडेट होंगे और फ़ोन की बैटरी ऑटोमेटिक ड्रेन हो जाएगी, जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा थर्ड वाले ऑप्शन पर टिक करके रखने। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके फ़ोन की जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होंगे, जिससे आपके फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, बैटरी कभी भी ड्रेन नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों, काफ़ी सारे लोग अपने फ़ोन को लोकल चार्जर से चार्ज करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने फ़ोन को लोकल चार्जर से चार्ज नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जब हम लोकल चार्जर को यूज करते हैं तो होता है क्या है कि हमारा फ़ोन चार्ज तो होता है, यहाँ पर चार्जिंग बताता है, बट हमारा फ़ोन काफ़ी लेट चार्ज होता है, काफ़ी स्लो चार्ज होता है, और इस वजह से बैटरी काफ़ी तेज़ी से ड्रेन होती है। तो दोस्तों, आपको हमेशा ओरिजिनल चार्जर को ही यूज करना है, कभी भी लोकल चार्जर यूज मत करना, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज का ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपके फोन में सही से नेटवर्क नहीं रहता है, मान लो कि आप जो भी सिम कार्ड यूज करते हो, ठीक है, उसका नेटवर्क आपके एरिया में अच्छा नहीं है, जो नेटवर्क है वो अप डाउन होता रहता है, नेटवर्क कभी आता है कभी चला जाता है, अप डाउन होता रहता है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके फोन की बैटरी काफी तेजी से ड्रेन होगी, ठीक है। तो आपको हमेशा उसी नेटवर्क को यूज करना है जिसका सिग्नल आपके एरिया में अच्छा हो, आपको वही सिम कार्ड यूज करना है, ठीक है। अगर दोस्तों नेटवर्क सही आपके फोन में नहीं रहता है, अप डाउन होता रहता है, छोड़ता है पकड़ता है, छोड़ता है पकड़ता है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके फोन की बैटरी काफी तेजी से ड्रेन होगी, क्योंकि दोस्तों बैकग्राउंड में आपका फोन नेटवर्क को हमेशा सर्च करता रहेगा और फोन की बैटरी ड्रेन होती रहेगी। तो इसलिए आपको वही सिम कार्ड यूज करना है जिसका नेटवर्क आपके एरिया में अच्छा हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, आपको फोन के सेटिंग्स को ओपन करना है। फोन के सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको नीचे जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी का, आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। आपको इसको ओपन करना है। दोस्तों, आपको यहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर दोस्तों आपके फोन में बैटरी कम है,
ठीक है, आपके फोन में बैटरी काफी कम है और आप चाहते हो कि बैटरी जल्दी खत्म ना हो, तो दोस्तों आप पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हो। ठीक है, आप पावर सेविंग मोड को ऑन करके अपने फोन के बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पर एक और ऑप्शन मिलेगा, सुपर पावर सेविंग मोड। मान लो कि आपके फोन में सिर्फ 15% बैटरी है या 20% बैटरी है और आप चाहते हो कि बैटरी खत्म ना हो, क्योंकि हम अपने फोन को चार्ज अभी नहीं कर पाएंगे, आप किसी ऐसे कंडीशन में फंसे हो, तो दोस्तों आप सुपर पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हो। जब आप इसको ऑन कर दोगे आपके फोन की बैटरी खत्म नहीं होगी, ठीक है, जल्दी खत्म नहीं होगा और दोस्तों आप अपने फोन को लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों आपको एक और बात का ध्यान रखना है, कभी भी आपको अपने फोन के ब्राइटनेस को ऑटो मोड पर सेट करके नहीं रखना है। काफी सारे लोग फोन के ब्राइटनेस को ऑटो मोड पर सेट करके रखते हैं और होता क्या है कि जो हमारे फोन का ब्राइटनेस है वो हमेशा ऑटोमेटिक अप डाउन होता रहता है, और दोस्तों जब ब्राइटनेस हमेशा अप डाउन होगा तो आपके फोन की बैटरी ड्रेन होगी, तो इसलिए आपको हमेशा इसको मैनुअल मोड पर सेट करके रखना है, जब जितना जरूरत हो उतना बढ़ाकर आपको अपने फोन को यूज करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आप लेटेस्ट फोन यूज करते हो, नया फोन यूज करते हो, तो दोस्तों आपके फोन में एक जरूरी सेटिंग होगा, आपको सेटिंग में जाना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों आपके फोन में यहां पर हाई होगा, स्टैंडर्ड होगा, 60 हर्ट्स होगा, 90 हर्ट्स होगा या 120 हर्ट्स होगा। ठीक है, आपको रिफ्रेश रेट को हमेशा कम पर सेट करके यूज करना है, आपको 60 हर्ट्स पर सेट करके यूज करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इन सेटिंग्स को करना है, ट्रिक्स को यूज करना है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके फोन की बैटरी कभी भी ड्रेन नहीं होगा। ठीक है, कभी भी अपने से खत्म नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक आप अपने फोन को यूज कर पाओगे, आपके फोन की जो बैटरी है वो 30-40% ज्यादा चलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।